नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। होटल के कमरे में पुलिसकर्मी का शव फंदे पर लटका हुआ मिलने की सनसनीखेज खबर है। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीएसपी जमाल खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक महेंद्रगढ़ जिले के गणियार गांव का रहने वाला ईएचसी मनोज कुमार है। वो बस स्टैंड पुलिस चौकी में मुंशी के पद पर कार्यरत था। मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे डीएसपी सिटी एसएचओ ने एफएसएल टीम को भी जांच के लिए बुलाया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा भी नहीं हो पाया है। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। अभी कुछ मामले का खुलासा नहीं हो पाया है जी। कि हमारा मुलाजिम है, बस स्टैंड चौकी में ही पोस्टेड थी इसकी जी। और सुबह ये घर से आया है, घर से आके और रेस्ट करने के लिए इस होटल पर आया है। तो बिल इंचार्ज ने मुलाजिम भेजे 1-1.5 बजे के आसपास, भाई उसको बुला लो, और कम भी है जी। तो जब मुलाजिम आए हैं तो अंदर से कुंडी जो लगी हुई थी, लेकिन जो कैट है उसके ऊपर में पर्दा लगा हुआ है जी। उधर से उन्होंने झाँक के पर्दा हटा के देखा तो उनको पता लगा कि उसमें फांसी खाई हुई। अभी कारणों का खुलासा नहीं, कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। एफएसएल टीम हमने बुला ली है, तो अभी जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।